प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों मिशन शक्ति को लेकर जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन लालगंज कोतवाली क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान से खुला खिलवाड़ हो रहा है। ताजा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे तिलक राम माधोपुर गाँव का है, जहाँ की एक महिला ने SP प्रतापगढ़ को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पड़ोस के कुछ लोग आए दिन उसके और उसकी देवरानी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करते हैं। रात में सोते समय भी छत के सहारे घर में घुसकर छेड़खानी करते हैं, विरोध करने पर मारपीट करते हैं। दोनों महिलाओं के पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसी कारण दबंग मनबढ़ हो चुके हैं। घटना की शिकायत लालगंज कोतवाली में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने बताया कि SP प्रतापगढ़ के अलावा मुख्यमंत्री से भी मामले की शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण वह घर छोड़कर कहीं और रहने को मजबूर है। अगर महिलाओं के आरोप में सच्चाई है तो आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा प्रतापगढ़ जिले में मिशन शक्ति महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा और महिला के सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ जारी रहेगा। मामला ये है सरकार की है, हमको घर में मारते पीते हैं, संकटा है और पंकज यादव हैं। हम लोग देवरानी पिछानी छत पे सोते हैं तो का कहती हरकतबाजी भी करते हैं, सीने पर चढ़कर मारते हैं, जब हम लोग उठते हैं तो साड़ी पकड़ के खींच लेते हैं। थाने में कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हाँ, क्या बोलते हैं पुलिस वालों ने? कहते हैं कि बार बार झगड़ा करके आती हो तो तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी। हाँ, कब से चल रहा है ये? चल रहा है 14 अप्रैल से। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।